आखिर कानून के लंबे हाथ बहसी तरिंदे के गिरेबान तक पहुँच ही गए। जी हाँ, आपको बता दूं कि लखीमपुर खीरी सदर कोतवाली के नयापुरवा गांव में 13 मई को रोदन नामक बहसी तरिंदे ने अपने ही पड़ोस में रहने वाली 7 वर्षीय मासूम का रेप किया था और रेप का राज छुपा रहे इसको लेकर आरोपी रदूर ने मासूम का गला दबाकर उसे मौत की नींद नहीं सुला दिया था, जिसके चलते लखीमपुर की एसपी पूनम के कड़े निर्देश के बाद सदर कोतवाली पुलिस ने टीम बनाकर उस बहसी दरिंदे रुदुल की तलाश शुरू कर दी। परिणाम स्वरूप 24 घंटे बाद ही पुलिस ने रुदुल नामक अपराधी को पकड़कर हवालात में डाल दिया। फिर कड़ी पूछताछ के बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए जनपद लखीमपुर खीरी से रमाकांत चित की रिपोर्ट। ये 12:13 की रात में नयापुरवा जो गांव है, जो कि महेबागंज में थाना सदर के अंतर्गत, एक 7 साल की बच्ची जो कि एक शादी में पूरा समारोह देखने गई हुई थी, उसी का पड़ोसी रुदल पुत्र शिव पूजन जो कि 48 वर्ष का है, यह वहां से बेला फुसलाकर इसको अपने कमरे पर लेकर आया। इसके घर से बिल्कुल सटा हुआ घर है लड़की के घर से, और इसके साथ इसने शराब पीकर रेप किया और उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसका पूरा घटनाक्रम का जब अनावरण हुआ, इसको गिरफ्तार किया गया, तो सब वहाँ पर जो शराब का पौवा, बांग, गांजा, ये सब वहाँ से मिला है। लड़की का जो मृतका है, पीड़िता, उसका पोस्टमार्टम कराया गया और सैंपल लिया गया। जो अभियुक्त है, इसका डीएनए कराने के लिए ब्लड सैंपल लिया गया है, इससे पूछताछ की गई विस्तृत, तो इसने पूरा ये घटनाक्रम कबूल किया। और बाकी अभी जानकारी की जा रही है कि कहीं पूर्व में भी तो इस तरीके की घटना इसने ऐसी अंजाम दे रखी हो और जो संज्ञान में ना आई हो, तो आसपास गांव में और भी अभी जानकारी इस संबंध में की जा रही है। अभियुक्त गिरफ्तार है, कार्रवाई पर चलिए।